आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। उत्तर प्रदेश के बांसगांव आपको लिए चलते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव हैं, सुनते हैं। साथियों, देश की प्रगति से बांसगांव के लोग, देवरिया के लोग खुशियों से भरे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की प्रगति से पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग 4 जून को लेकर अलग ही सपने देख रहे हैं। पाकिस्तान में सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए दुआ पड़ी जा रही है। सीमा पार से जिहादी उन्हें समर्थन दे रहे हैं। यहां सपा कांग्रेस वाले वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इनका मुद्दा देश का विकास नहीं, ये तो भारत को कई दशक पीछे ले जाना चाहते हैं। आप इनके मुद्दे देखिए। इंडी जमात कह रही है ये सरकार में आएंगे तो कश्मीर में फिर से 370 लगाएंगे। ये बंटवारे के पीड़ितों को नागरिकता देने वाला सीएए कानून रद्द करेंगे। आप मुझे बताइए, ये किसका एजेंडा है? यही तो भारत विरोधी ताकतें भी चाहती है। फिर इंडी वाले भी यही क्यों चाहते हैं? साथियों, कांग्रेस ने हमेशा देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया। अभी एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आपको पता है ना, हमारे देश इतनी मात्रा में नौजवान है तो जरा ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, मीडिया वालों के लिए भी नया होगा। आपको पता है हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और वो दिन दूर नहीं जब यूपी में भी ब्रह्मोस मिसाइल बना करेगी। और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है, लेकिन कांग्रेस को ये भी पसंद नहीं आया। जो देश भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे, दुनिया के कई देश, कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे, बॉफोर्स घोटाले होते रहे, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाले होते रहे। बुकपात्रोची मामा को वो वाला खेल कांग्रेस जारी रखना चाहती थी। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। देश का रक्षा निर्यात
21,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। अब आप बताइए, देश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाली सरकार होनी चाहिए या दिवाली वाली, या जो हर मौके पर, दिवाली हो या होली हो, हर मौके पर जो दलाली ही करना चाहते हैं, क्या दलाली करने वाली सरकार चाहिए क्या? साथियों, ये कांग्रेस और सपा, ये इंडी जमात वाले, इनकी राजनीति का एक ही मकसद है, तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए हमारी आस्था को गाली देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला प्राण प्रतिष्ठा का अवसर, उस निमंत्रण को ठुकरा देती है। इंडी जमात वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं, सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग? राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए क्या? साथियों, इंडी जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। बाबा साहब आंबेडकर ने धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध किया था, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? कर्नाटका में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण रातों रात मुसलमानों को दे दिया। बंगाल में टीएमसी वालों ने फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाकर पिछड़ों का आरक्षण लूट लिया, मुसलमानों को दे दिया। यूपी में सपा उसी टीएमसी का प्रचार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं मेरे दलित, मेरे पिछड़ा समाज को याद दिलाना चाहता हूं, 2012 में सपा ने